ब्रेक का दूसरा चक्कर। रेस का दूसरा चक्कर। मेरा नाम अभिषेक भंडारी है, मैं गोचर चमोली से आया हूँ। यहाँ पे भर्ती हो रही है आर्मी की, तो सबसे पहले कि यहाँ पे हाइट दी गई है 1.63 और ले रहे हैं 1.66, 1.61 अपनी मनमानी के हिसाब से। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात है कि दौड़ाया जा रहा है बंदों को और ले रहे हैं 8 या 9। कोई 400 लड़के दौड़ा रहे हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। जो पहला बंदा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से 8 या 9 बंदे लिए जाएंगे। उस हिसाब कोई टाइमिंग नहीं ली जा रही है, अपनी मनमानी के हिसाब से टाइमिंग हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। अग्निपथ योजना बिल्कुल युवाओं को शोषण कर रही है। 4 साल के लिए भी युवा आ रहे हैं, इतनी दूर से मेहनत करके आ रहे हैं, उसमें भी बंदों को किसी न किसी कारण बाहर किया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट पे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्यूमेंट पे बाहर किया जा रहा है। कोई कोविड के चक्कर में बाहर किया जा रहा है। छोटी सी गलती के लिए भी बाहर किया जा रहा है। कोई मौका नहीं दिया जा रहा किसी बंदे को। सर हमें यहाँ के लग रहा है तो हमने तैयारी बेकार की है, क्योंकि यहाँ जब देख रहे हैं हम सर, यहाँ से 300 भगा रहे हैं, उसमें से 14 लड़के निकाल रहे हैं, 12 लड़के निकाल रहे हैं, और हाइट में भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। 1.66 ले रहे हैं, 1.65 ले रहे हैं, जबकि 1.62, 1.63 होती है हाइट में। तो इस हिसाब से लग रहा है हम तैयारी भी बेकार की, और एक इन्होंने अग्निवीर 4 साल के लिए कर दिया है, इसमें भी लड़कों का क्या भविष्य होगा आगे हमारे समझ में ये नहीं आ रहा सर। और यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, और रहने खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। वैसे इस हिसाब से सब अपना ही करना पड़ रहा है हमें। कितनी दूर से आए आप? सर हम उत्तरकाशी से आए सर, और लड़के तो मतलब दूर से ही आ रहे हैं, सब अपने घर घर से ही आ रहे हैं।